पटवारी की बीमारी, किताबें पढ़ ली सारी, तो चलिए देखते हैं कितनी है हमारी तैयारी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था? ऑप्शन ए सिकंदर अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी ग्रीक या ऑप्शन डी ईरानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर अलेक्जेंडर। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। तो अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 47 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 55 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 80 ईस्वी, ऑप्शन सी 30 ईस्वी या ऑप्शन डी 639 ईस्वी। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 78 ईस्वी। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय राज्य असम चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए डोकलाम, ऑप्शन बी गैलवन घाटी, ऑप्शन सी डेपसांग मैदान या ऑप्शन डी लिपुलेखा पास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेखा दर्रा विवादित स्थल है, जबकि अन्य तीन स्थान भारत और चीन के बीच विवादित स्थल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मालदीव। भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, हालांकि इसमें लक्षद्वीप के साथ बहुत करीबी समुद्री सीमा है। आपका अगला प्रश्न है, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल या ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और विशेष सीमा बल। चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करता है। अगला प्रश्न, भारत का रक्षा बजट क्या है? $178 बिलियन, $70 बिलियन, $300 बिलियन या ऑप्शन डी $110 बिलियन। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय रक्षा बजट 2020 में $70 बिलियन है, जबकि चीन का रक्षा बजट 2019 में $178 बिलियन था। अगला प्रश्न, विश्व दूध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ताकि स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के लिए डेयरी क्षेत्र के योगदान को चिन्हित किया जाए। अगला प्रश्न, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जून में किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून या ऑप्शन डी 4 जून।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जून। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन डी 1915। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1906। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुरुंडी, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी नाइजीरिया या ऑप्शन डी घाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुरुंडी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुसेना के मार्शल पद पाने वाले एकमात्र वायुसेना अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए नितिन सिंह, ऑप्शन बी सुब्रत मुखर्जी, ऑप्शन सी पी सी लाल या ऑप्शन डी ओ पी नेहरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अर्जुन सिंह। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।